अभी हम कहीं गए थे ग्रेटर नोएडा और काफ़ी टाइम रुके, बहुत ही अच्छी फैमिली थी। और देखेंगी मेरी वीडियो भी, और थैंक यू सो मच, बहुत प्यारी प्यारी बच्चियाँ थी उनकी। और अभी जा रहे हैं, फिर हम जा रहे हैं, टाइम हो चुका है कितना, 3 बज चुके, 3 बज गए, तो लेट हो गए काफ़ी। और टाइम रहता तो बुआ जी के यहाँ भी जाते, लेकिन हम घर से ही लेट चले थे, घर से ही हम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करते हैं कि आप सब भी अच्छे होंगे। और ये अभी चल दिए घर से, तो स्टार्ट करने का मतलब टाइम ही नहीं मिला ब्लॉग, तो अभी यहाँ पे शुरू किया है। तो जो भी हमसे शेयर होगा सब आप सबके साथ शेयर करेंगे। वैसे आप सबको आवाज़ नहीं आती है, सब बोलते हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है, मैं ज़ोर से ही बोलने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप सब पीछे। कोई नहीं, माइंड मत करना, क्योंकि चैनल मेरा है तो मुझे भी बनाना पड़ेगा ना। किसी ने भी नोटिस नहीं किया, किसी ने भी नोटिस ही नहीं किया अब तक, तो मुझे किसी ने नहीं बोला कि ना कहीं और कर लिया किसी ने भी। अब पूछा जा रहा है मुझसे, पूछ अब, पूछ अब, कह रही है मम्मी आपके नाक का काम गया, मतलब 2 दिन से गायब है, 2 दिन से किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नोटिस ही नहीं किया। फिर पूछा नहीं था, पूछा ही नहीं, फिर नोटिस किया तो पूछना चाहिए था ना कि मम्मी तुम्हारी, हो सकता है खो गया हो, खोया नहीं है, रख दिया हो। हाँ तो मैं वो दिखाई करता हूँ, अच्छे नहीं है ये, सुंदर नहीं है बच्चे, बच्चे सुंदर होते तो दिखते। ये कह रही है आप कौन से, मतलब वो ढके लड़ने आ रही है, ये कह रही है आप कौन से अच्छे हैं, हम तो अच्छे हैं, हम अच्छे हैं तभी तो कैमरे में आ रहे हैं, तू अच्छी है ना, नौ जी आ रखी है सर, इसीलिए तो कैमरे में, दीसु को और हिमांशी को नौ जी आ रखी है इसलिए कैमरे में नहीं आते हैं। मेरी नाक बहुत बड़ी है, वो कह रही है मेरी नाक है ये बहुत बड़ी है, पहले किसी ने तारीफ की तेरी है बेमतलब ही। जब भी काम करवाना होता था जब तारीफ करते थे मेरी वो, मेरे बाबू और बेटा, और वो तो मैं अभी भी कर दूंगी, मेरे चंदा भी बोलते थे आप मेरे को, ये ऐसे जाते हैं नाम निकले में कुछ पहन, जल्दी जल्दी में खाना बनाया, ये सब तो सिमट मंदिर में मिली थी। फिर भी वो भगाएंगे नहीं, वैसे मिठाई भी चाय वाय भी खिला देंगे, मुझे आ रखी दिखाऊंगी मैं आपको।
तो ट्रैफिक की आवाज़ आपकी आपको नीचे से ही आएगी, मतलब मेरे घर में से ही आएगी। वैसे तो मैंने डाउन कर दी है और अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, पीछे से ही आएगी। तो चल दिए थे, देखो ग्रेटर नोएडा का मैंने यहाँ से कोई व्यू नहीं लिया था, सब ग्रेटर नोएडा का ही है। बहुत ही अच्छा व्यू है और स्पीड भी गाड़ी की इतनी नहीं थी, स्पीड भी मैंने बढ़ाई है क्योंकि फिर वीडियो बड़ा हो रहा था। बहुत छोटा वीडियो बनाया है काट के और स्पीड बढ़ा के। देखिए आप यहाँ का व्यू और इन्जॉय करिए, बहुत अच्छा लगा था यहाँ पे जाके हमें तो। मतलब इतना बड़ा बड़ा जितनी यहाँ सड़कें हैं इतना ही बीच में, मतलब दो सड़क बन जाएंगी इतना उन्होंने गैप छोड़ा हुआ है। ये सबसे अच्छा लगा, कभी अगर मतलब बड़ी भी करनी हो, रोड बड़ा करना हो तो बड़े आसानी से हो जाएगा और फिर भी जगह रह जाएगी। और दोनों साइड के बीच में ये देखो ऐसे लग रहा है जैसे बाग लग रहा हो और बहुत सारे पेड़ पौधे। और यहाँ बहुत सोच समझ कर बनाया है इन लोगों ने, बहुत ही अच्छा। और जबकि हमारे यहाँ पे ट्रोनिका सिटी में भी मैंने देखा है, वहाँ पे भी अभी शुरू हुआ है सब, लेकिन वहाँ पे भी इतना अच्छे से उन लोगों ने नहीं किया है जितना अच्छे से ग्रेटर नोएडा को तैयार किया है, बहुत सोच समझ के किया है। आप सभी कमेंट करके बताना, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ प्लीज़ शेयर कर देना, क्योंकि वीडियो हमें बहुत ही पसंद आया था। और यहाँ पे जहाँ भी हम देख रहे हैं ये कोई गांव आया था तो हमें ज़्यादा अच्छा गांव का भी ठीक अच्छा लगा था, गांव का भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने क्योंकि वहाँ पे बाहर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे थे और यहाँ पे मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगा, पौधे बहुत कम थे गांव में। जैसे नीम के पौधे ये देखो, एक आध किसी घर में पौधा है, नहीं तो गाँव इतने बड़े बड़े घर हैं और किसी के घर में पौधा ही नहीं था बीच गांव में। ये तो बाहर की साइड है तो किसी किसी घर में पौधे नज़र आ रहे हैं, पहले ऐसे होता था एक घर में कई कई पौधे होते थे, कई कई पेड़ लगे होते। तो बाहर की साइड है, जैसे कि बाहर की साइड कोई गवर्नमेंट की कोई ऑफिस है या उस तरह से तो लगे हुए हैं। यहाँ पे भी अच्छी तरह बिल्डिंग बनी हुई थी और ये उसी गाँव का मंदिर है। और ये निकल लिए हैं फिर रोड, फिर ये मुझे अपने बिल्कुल ससुराल जैसा रोड लग रहा था, जैसे कि हमारे ससुराल में खेत खलियान अच्छा लगता है। और ये देखिए फिर चल दिए थे अपनी मंजिल पे और सिंदारा देने के लिए। और अभी मैं आपसे इसके बाद बात करूँगी आराम से। ये भी वीडियो मैंने इनसे बनवाई थी क्योंकि ये आगे बैठे हुए थे, मैंने कहा आप भी थोड़ी सी वीडियो बना दो, मुझे अच्छा लगेगा आप सबके साथ शेयर करने में कितना अच्छा लग रहा है ग्रेटर नोएडा। बस यही इन्जॉय करो आप सब भी और मैं भी इन्जॉय कर रही हूँ। मैंने तो कल बहुत ही मन लग रहा था, मतलब वहाँ से जब हम आए हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा दिन भी, बहुत जल्दी में आ गए थे। और ये देखिए रोड तो फिर बहुत जल्दी में आ गए थे और हिमांशी और दीसु ऐसे छुप रहे थे क्योंकि आप देख सकते हो कि कितनी मैंने स्पीड बढ़ाई हुई है। और अभी हम कहीं गए थे ग्रेटर नोएडा और काफ़ी टाइम रुके, बहुत ही अच्छी फैमिली थी। और देखेंगी मेरी वीडियो भी और थैंक यू सो मच, बहुत प्यारी प्यारी बच्चियाँ थी उनकी। और अभी जा रहे हैं, फिर हम जा रहे हैं, टाइम हो चुका है कितना, तीन बज चुके तो लेट हो गए काफ़ी। और टाइम रहता तो बुआ जी के यहाँ भी जाते, लेकिन हम घर से ही लेट चले थे, घर से ही हम 11:30 और 12 के करीब, मतलब इतना टाइम हो गया था। जितना भी ब्लॉग बना होगा अभी आप सभी से ही इजाज़त लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ये पता नहीं मेरे क्या निकल आया, कुछ हो गया कुछ हो गया गर्मी की वजह से कोई। तो मिलेंगे आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में जो भी वहीं के, क्योंकि मैंने ना रास्ते बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा था और मैंने अच्छी सी वीडियो बनाई है। और अभी वीडियो स्टार्टिंग कर दूँगी और फिर आप सभी से मिलूंगी वहीं पे। और अभी आ चुके हैं हम दादरी 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 से लेंगे हम खाने पीने का सामान, फिर स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। अगर थोड़ा बहुत अगर कहीं कमी होगी एडजस्ट कर लूँगी, ठीक है ना। एवरीवन स्टार्टिंग कर लिए गाड़ी।
में से ही, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आप देख चुके हो तो आप सबको हम मिलाएंगे मिलकर चल के। और अभी हम दादरी से क्या लेने आए, दादरी रास्ता नहीं था, हम भी वहाँ से निकल जाते हैं अलग से, लेकिन दादरी हमें कुछ काम था तो वो सब आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। क्या काम था हमारा?